नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला अस्पताल के रैन बसेरा में कोरोना जांच कराने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। फॉरेंसिक लैब में कोरोना की एंटीजन जांच कराई जाएगी। सतर्कता के लिहाज से नया नियम लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, जिला अस्पताल परिसर स्थित रैन बसेरा में भर्ती मरीजों के तीमारदार ही रहते हैं। अब नए नियम के मुताबिक किसी मरीज के तीमारदार को रैन बसेरा चाहिए तो उसे इमरजेंसी में जाकर मरीज का वार्ड और बेड नंबर बताना पड़ेगा। इसके अलावा अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। इस संबंध में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जिला अस्पताल के रैन बसेरा में अब व्यवस्था बेहतर हो गई है। अभी तक फर्श पर गद्दे व चादरें बिछाई गई थी। ठंड को देखते हुए वहां अब बेड डाल दिए गए हैं। कुल 5 बेड रखे गए हैं। सभी पर गद्दा, चादर व कंबल रख दिया गया है। हाल के चारों तरफ बैठने के लिए सीमेंट बेंच बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी में अभी तक लकड़ी वाले बेड थे, अब 3 हाइड्रोलिक बेड लगा दिए गए हैं। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा। जिला स्थल के रैन बसेरा ठीक कर दिया गया है। गद्दे, चादर, कंबल की व्यवस्था है। वहाँ की चाबी सिस्टर इमरजेंसी के पास रहेगा। जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको कोई आश्रय न हो, उसे रैन बसेरा में रहने की आवश्यकता है, तो वहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है। उस रजिस्टर में अपना नाम, पता और यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर। यदि आधार कार्ड उसके पास नहीं है किसी भी कारण से, तो वहाँ पर रहने वाला कर्मचारी एक उसका फ़ोटो ज़रूर ले लेगा और नाम डाल देगा, जिससे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न रह जाए जो जिसका आचरण अच्छा ना हो या कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड का हो। कई व्यक्ति आकर रह सकता है किसी भी कारण से, तो इसको रोकने के लिए तरीका किया गया है। इस दौरान वहाँ पर रहने वाले जो भी मतलब रहेंगे उनकी कोविड जांच भी कराई जाएगी। हाँ, वहाँ पर एंट्री 24/7 हमारा परमानेंट चल रहा है। जैसे उसमें एंट्री लेंगे 24/7 से एंटीजन टेस्ट करा लिया जाएगा, और यदि निगेटिव आता है तभी वहाँ रहने दिया जाएगा। यदि पॉजिटिव आता है तो अग्रिम कार्रवाई जो कोविड पॉजिटिव मरीजों की होती है उस अनुसार किया जाएगा। सर, इमरजेंसी ओपीडी में पहले लकड़ी के टेबल पर मरीज लिटाए जाते थे, इस दौरान कितने वहाँ पे बेड मुहैया हुए? हाँ, इमरजेंसी के टेब ओपीडी मैंने देखा था कि बहुत पुराने जर्जर अवस्था में टेबल 3 पड़े हुए हैं। वहाँ पर मैंने 3 हाइड्रोलिक एडजस्टेबल एग्जामेशन टेबल मंगा दिया है, जिससे कि मरीज को लेटने में भी आसानी होगी। उसमें हेड एंड भी रेज हो सकता है, कोई सांस फूलने वाला मरीज हो उनको भी आसानी होगी, तथा स्ट्रेचर पर शिफ्ट करते समय उन मरीजों को टेबल की हाइट एडजस्ट करके स्ट्रेचर पर सीधे शिफ्ट करने में आसानी होगी। यदि किसी कारण से उस मरीज को शिफ्ट करना भी संभव नहीं हो, एक्सरे कराना हो, अल्ट्रासाउंड कराना हो, सीटी कराना हो, तो वह टेबल बहुत अच्छे पहिए लगे हुए हैं, वो पूरी की पूरी एग्जामिनेशन टेबल को ही मूव कर सकते हैं।